बादली नपा का दर्जा समाप्त कराने के लिए चल रहे धरने प्रदर्शन और अनशन में पहुंचे विधायक कुलदीप वत्स, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी दिया धरनारत लोगों को अपना समर्थन। बादली नगरपालिका का दर्जा समाप्त कराने के लिए चल रहे धरने प्रदर्शन और अनशन पर आज बादली हल्का विधायक कुलदीप वत्स पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर धरना कमेटी और उपस्थित ग्रामीणों को अपनी तरफ से हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस अवसर पर सरकार और प्रशासन को भी चेताया। उन्होंने सरकार से आह्वान करते हुए कहा कि वह पिछले 12 दिनों से धरने प्रदर्शन और अनशन पर बैठे लोगों की तरफ ध्यान दे। विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि सरकार लोगों की सुनवाई करे, सरकार को निरंकुश नहीं होना चाहिए, सरकार को लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से भी आह्वान किया कि उनके पास ताकत है, वह लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप काम करे। सरकार और पद कभी किसी के पास स्थाई नहीं होते। बादली हलके में पहले भी विधायक और मंत्री बनते रहे हैं, अब भी हैं और आगे भी बनते रहेंगे। जो नेता और पार्टी लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए काम करती है, वह लंबे समय तक लोगों के दिलों में रहती है और लोगों की इच्छा अनुरूप सरकार बनाती है। इस मौके पर विधायक कुलदीप वत्स ने लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धरना प्रदर्शन और अनशन कर रहे लोगों को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने फ़ोन के माध्यम से धरना कमेटी से, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत भी कराई। पूर्व मुख्यमंत्री ने धरना कमेटी को आश्वस्त किया कि वह लोगों की जन भावनाओं के साथ हैं, जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। उनकी जब भी सरकार बनेगी, वह लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप ही पहली कलम से बादली नपा का दर्जा समाप्त करने का काम करेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से धरना कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व सरपंच उमेश सिंह गुलिया, विनोद गुलिया, हिमल पहलवान, सुखबीर नंबरदार, तेजपाल ठेकेदार, नरेश काला, रामबीर के अलावा सोमवीर भोकल गुलिया, ईश्वर वत्स, सत्यप्रकाश गुलिया, मास्टर दीपक, पूर्व सरपंच राज गुलिया, बबलू लाडपुर, जिला पार्षद मामन ठेकेदार, मोटा कोच उत्तम ठेकेदार, सतीश पैल्पा, अंकुर गुभाना व अन्य बड़ी संख्या में तीनों गांव बादली, पहासौर और एमपी माजरा के धरनारत लोग उपस्थित रहे।